ओपनिंग पेयर आया था नॉर्दर्न का और पहली ही गेंद पे अली माजिद ने पहले ही ओवर में कामयाबी हासिल की। हसन नवाज आज कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल लगे नहीं, कुछ रन उनको ज़रूर मिले, दो चांसेस भी मिले, लेकिन इस बार इलियास ने कोई गलती नहीं की और कैच आउट हो गए, उनको जाना पड़ा। उमर अमीन ने बहुत ही जिम्मेदार इनिंग्स खेली, कप्तान की ज़रूरत मौजूद थी आज नॉर्दर्न को, मिडिल ओवर्स में दरकार थी। जिस तरह की शॉट्स उन्होंने खेली आज उनकी क्लास नज़र आई, आड़े हाथों लिया स्पिनर्स को भी। वैसे लकरम काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए और ये एक सॉफ्ट डिसमिसल कह सकते हैं आप। उमर अमीन ने दूसरे एंड को संभाले रखा, नॉर्दर्न के पास थोड़ा बहुत मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, ये एक अच्छी एफर्ट थी और इलियास एक बार फिर उनको इस गेम से बाहर नहीं रखा जा सकता। मिडल ओवर में कुछ ज़्यादा काम कर नहीं सका नॉर्दर्न, लेकिन उमर अमीन की अच्छी हिटिंग जारी रही। मुबसर ने थोड़ा सा साथ ज़रूर दिया, लेकिन अली माजिद एक बार फिर अपना जादू दिखाने में कामयाब हुए। सुहेल तनवीर ने भी अच्छी कैमियो यहाँ पर खेली और बाउंड्रीज और टीम को दिलाते रहे, स्कोर को आगे बढ़ाते रहे, उनके हमरा मौजूद थे। मुबसर खान भाई बड़े जारहाना मूड में थे, सामने अच्छे शॉट खेलने में कामयाब हुए। ऑन द अप उनने ये चौका मिड ऑफ के ऊपर से लगाया, बाद में एक छक्का लगाया समीम गुल को स्लो डिलीवरी पर और फिर वो कट करने के लिए गए गेंद को जो उछलती हुई जा रही थी, थर्ड मैन कई दे बैठे। सुहेल तनवीर जो हैं खुश नसीब भी रहे, लेकिन फिर कैच आउट हो गए बाउंड्री लाइन पर मोहम्मद शहजाद के हाथों। ये ओवर खासा महंगा रहा, यहीं से आमिर जमाल का खेल शुरू हुआ जिन्होंने बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। शहजाद ने फील्ड में गलती की, ग्राउंड शॉट्स भी अच्छे देखने को मिले, ये दो बैक टू बैक चौके ऑफ साइड में लगाए आमिर जमाल ने और ये बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी करना खासा महंगा पड़ा मोहम्मद इलियास को। बाउंड्रीज आखिर तक रुक नहीं सकी, चौके छक्के लगते रहे, बड़ी बेदर्दी के साथ पिटाई की और ऐसे में रन आउट हो गए। मेहरान मुमताज दूसरा रन लेते हुए आखिरी ओवर में छक्के और चौके के साथ स्कोर 187 तक आमिर जमाल ने पहुंचाया और 47 रन पर नॉट आउट वापस आए।